नमस्कार, खबर एचपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। मुख्यमंत्री सुक्कू को फ्री हैंड, सरकारी नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार पर खुद ही लेंगे फैसला। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू नई दिल्ली दौरे के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात की है। इसे बेशक एक शिष्टाचार भेंट कहा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की 100 दिन की कार्ययोजना राहुल गांधी के साथ साझा की है। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि कांग्रेस द्वारा चुनाव से पहले दी गई गारंटियों पर सरकार किस तरह से काम कर रही है। वहीं राज्य सरकार द्वारा अब तक लिए गए फैसलों की जानकारी भी राहुल गांधी को दी गई। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू को लोगों से किए गए वादे पूरे करने के लिए हर कदम उठाने को कहा है और मंत्रिमंडल विस्तार तथा सरकार में की जाने वाली नियुक्तियों को लेकर भी फ्री हैंड दिया है। वहीं मुख्यमंत्री आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के बेटे की शादी के लिए गोवा गए हैं और वहीं से मणिपुर चले जाएंगे। वह 13 फरवरी को शिमला सचिवालय में होंगे। लाहौल स्पीति में भारी हिमपात, सभी मार्ग बंद, अटल टनल के दोनों किनारे भी बर्फ तले दबी। लाहौल स्पीति जिला में भारी हिमपात हुआ है, इससे सभी संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि मनाली ले राजमार्ग 003 बर्फबारी होने के कारण बंद हो गया है। अटल टनल रोहतांग के साउथ और नॉर्थ पोर्टल में भारी हिमपात हुआ है। इसके अलावा दारचा सिंहकुला मार्ग, पांगी किलाड़ मार्ग, ग्राम्फू कांजा, समुद्र लोसर मार्ग बंद हो गए हैं। वहीं जिला कुल्लू में भी रात भर ऊंचे क्षेत्र में बर्फबारी होने से निचले क्षेत्र में बारिश होने से कई बस रूट प्रभावित हो गए हैं। MIS बजट में भारी कटौती से मुश्किल में सुक्कू सरकार, राज्य सरकार को उठाना होगा पूरा बोझ। जे केंद्र सरकार के केंद्रीय बजट में मंडी मदद सत्ता योजना यानी MIS के बजट में भारी कटौती करने से हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्कू सरकार की परेशानी बढ़ गई है। हिमाचल में MIS के तहत सेब और नींबू प्रजाति के फलों की खरीद की जाती है जिसका भुगतान केंद्र और राज्य सरकार 50-50% के हिसाब से करती है, मगर केंद्रीय बजट में कटौती करने से अब राज्य सरकार को इसका पूरा भुगतान अपने खजाने से करना पड़ेगा। वहीं हिमाचल की खराब आर्थिक स्थिति के चलते सरकार के लिए यह मुश्किल स्थिति है। सीएम सुक्कू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से CU कैंपस का निर्माण जल्द करवाने का किया आग्रह। जी, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू के दिल्ली दौरे का आज चौथा दिन है जहां मुख्यमंत्री का केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का दौर जारी है। वहीं शुक्रवार को केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात के साथ ही सीएम ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की। वहीं सीएम ने केंद्रीय मंत्री को हिमाचल टोपी और शॉल भेंट की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से हिमाचल में केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ करने का आग्रह किया है। वहीं सीएम सुक्कू ने कहा कि परिसर के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही केंद्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखकर निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। शिमला पुलिस ने 24 घंटों में दबोचा लाखों के आईफोन चुराने वाला आरोपी। जे शिमला पुलिस ने SP ऑफिस के समीप लोअर बाजार में एक दुकान में हुई लाखों के मोबाइल चोरी के मामले को 24 घंटों के भीतर सुलझा दिया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से चुराए गए सभी मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। हिमाचल में दुग्ध संग्रहण के लिए क्लस्टर स्तर पर स्थापित होंगे चिलिंग पॉइंट्स। जे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्कू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाल से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत वृहद स्तर पर सुदृढ़ किया जाएगा ताकि हिमाचल देश का दुग्ध उत्पादक राज्य बनकर उभरे। NIT हमीरपुर में तैयार होगा स्वदेशी नैनो फिनिशिंग सेटअप। SERB ने शोध के लिए जारी की 28 लाख की ग्रांट। NIT हमीरपुर में अब नैनो फिनिशिंग तकनीकी पर शोध होगा। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड भारत सरकार ने इस शोध के लिए 28 लाख के ग्रांट जारी की है। वहीं आपको बता दें कि नैनो फिनिशिंग के लिए स्वदेशी उपकरण तैयार होने से उद्योग, चिकित्सा, रक्षा, एरोस्पेस के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव संभावित है। NIT हमीरपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर दिलशाद अहमद खान यह स्वदेशी उपकरण तैयार करेंगे। वहीं डॉक्टर दिलशाद ने इस उपकरण को एक्सट्रूजन प्रेशर पर आधारित मैग्नेटो रियोलॉजिकल फिनिशिंग टूल नाम दिया है। 442 करोड़ बढ़ गई फिन्ना सिंह परियोजना की लागत, डिप्टी सीएम ने केंद्रीय मंत्री से मांगा सहयोग। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली दौरे पर हैं जहां उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रमुखता से फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना का जिक्र किया। वह हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना एक दशक से भी अधिक समय से पूरा नहीं हुई है। इस दौरान परियोजना की लागत 442 करोड़ रुपये बढ़ गई है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने फिन्ना सिंह परियोजना का मुद्दा भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष उठाया। उन्होंने फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना के लिए केंद्र से मिलने वाली 340 करोड़ रुपये की मदद राशि जल्द जारी करने का आग्रह किया है।
मंडी पुलिस ने कार से 4 किलो 234 ग्राम चरस की बरामद, पंजाब और महाराष्ट्र के 2 युवक गिरफ्तार। जे हिमाचल प्रदेश में नशे का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है, नशे के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं ताजा मामला मंडी जिले का है। मंडी सदर पुलिस ने वृंदावनी में नाकाबंदी के दौरान 2 युवकों को 4 किलो से अधिक चरस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सलोनी में बारिश से भारी तबाही, आधी रात को स्कूल बिल्डिंग पर गिरी चट्टान और फिर जो हुआ। जिस शिक्षा खंड सलोनी के तहत पढ़ने वाली राजकीय माध्यमिक पाठशाला ची के भवन पर पहाड़ी से चट्टान गिरने के कारण भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। गनीमत यह है कि चट्टाने रात के समय गिरी और स्कूल बंद था, नहीं तो कोई बड़ी अप्रिय घटना भी घटित हो सकती थी। 1.25 लाख का डुका 1550 रुपये में बिका, अब दलाई लामा की सुरक्षा में टोमी तैनात। जो धर्मगुरु दलाई लामा की सुरक्षा में पिछले 12 वर्षों से तैनात लेब्रा नस्ल का कुत्ता डुका को गमरू के अजय ने खरीद लिया है। अजय ने डुका को 1550 रुपये की बोली लगाकर खरीदा। कुछ औपचारिकताएं पूरी होने के बाद डुका को अजय के हवाले कर दिया जाएगा। वहीं साल 2010 में डुका को आर्मी ट्रेनिंग सेंटर से 1,23,000 रुपये में देकर लाया गया था। उस समय यह 7 माह का था। उसकी कुछ ट्रेनिंग यहाँ हुई, इसके बाद वह लगातार धर्मगुरु दलाई लामा की सुरक्षा व्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभा रहा था। हेलो पहचाना नहीं और खाते से गायब हो गया 42,000। जे हेलो पहचाना नहीं, आप अंदाजा बताओ, शर्मा जी आप ठीक पहचाना, और सुनाओ कैसे हो, घर परिवार में सब ठीक है ना। कुछ इस तरह से एक सातिर ने धर्मशाला में रह रहे हरियाणा और बिहार के 2 व्यक्तियों को अपने झांसे में लेकर 42,000 रुपये का चुना लगाया है। इस संदर्भ में पीड़ितों ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करवा दी, लेकिन आरोपी की शिनाख्त होने के बाद भी न तो उसे गिरफ्तार किया गया और न ही सातिर में से पैसे की रिकवरी करवाकर पीड़ितों को लौटाई गई। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। भारत के इस गांव में महिलाएं नहीं पहनती कपड़े, क्यों शुरू हुई अजीब परंपरा, पुरुषों के लिए भी है सख्त नियम। जे देश और दुनिया में कई ऐसी परंपरा है जिनको लेकर चर्चा विवाद और आलोचना होती रहती है। कई बार शादी विवाह से पहले लड़के या लड़की के पेड़ के साथ विवाह संस्कार, कहीं भाई से तो कहीं मामा के साथ शादी को लेकर चर्चा होने लगती है। कहीं सामान्य जीवन में महिलाओं या पुरुषों के लिए बनाई गई कई परंपराएं भी देश दुनिया में प्रचलित है। वहीं भारत के एक गाँव में महिलाओं और पुरुषों के लिए एक अजीबो गरीब परंपरा है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की मणिकर्ण घाटी के पिन्नी गाँव में सदियों से चली आ रही एक परंपरा का पालन करते हुए आज भी महिलाएं कपड़े नहीं पहनती है। वहीं पुरुषों के लिए भी इस गांव में एक सख्त परंपरा है जिसका पालन करना उनके लिए भी अनिवार्य है। आपको बता दें कि परंपरा के तहत महिलाएं साल में 5 दिन ऐसे होते हैं जब वे एक भी कपड़ा नहीं पहनती है। वहीं पुरुष इन 5 दिनों में शराब और मांस का सेवन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।